बताओ जी, नाम क्या आपका? संजय। संजय, संजय हमारे बाबूजी हैं और ये लोनी बॉर्डर इलाके में रहते हैं और ये बराबर में मंदिर है। मंदिर का नाम क्या बाबूजी? शिव मंदिर। शिव मंदिर है और ये नहर है, गंदी जो नहर बोलते हैं, और ये शिव विहार के लिए रास्ता जाता है। वहीं चेक दिल्ली चेक पोस्ट से पहले बाबूजी बैठते हैं और ये एक छोटी सी दुकान है बाबूजी की। और ये बेटी है छोटी सी, इनकी जो वाइफ है वो वाइफ इनको छोड़ कर चली गई इस हालत में। कितने साल से बाबूजी ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो? रोना नहीं है। कितने साल से जी रहे हो? अभी फिलहाल ज़्यादा तो मैं 2 साल से जी रहा। जब हमको मानने लगे थे घर वाली चली गई, मैं सच बता इस हालत में छोड़ के निकल गए। परेशान है, बच्चे लेके मैं कहाँ जाऊँ? ना मेरा पैर हाथ चलता है, ना कुछ, क्या करूँ। तो बाबूजी कोई घर 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 है कोई, कहाँ रहते हैं? घर है, मैं किराए पर रहता था, मकान मालिक सामान रख लिया, किराया नहीं दिए, अब रोड पे अपना गुजारा कर। कितना किराया बाबूजी? भैया 3,000 रुपये बाकी था। 3,000 रुपये बाकी था। किराया कितना था आपका? किराया 1500 रुपये महीना था। उस टाइम इसकी मम्मी रहती थी, इसकी मम्मी काम करती थी, तो कमा कर लाती देती, एक दो महीने दी नहीं तो मकान मालिक वो भाग गए थे। मकान मालिक नहीं दिए किराए, सामान वो रख लिया सर, एक बर्तन तक कपड़े तक नहीं दिया। तू यहाँ के आदमी हमको कपड़े वपड़े सब दिए थे, वही पहन के गुजारा कर। रोना नहीं है, देखो जिंदगी जिंदगी इसी का नाम है ना, हिम्मत से काम लेना है आपको। ये हिम्मत तो ले रहा हूँ बहुत जी, इतना हिम्मत कर रहा हूँ कि अब क्या बताऊँ, रोड पे सोता हूँ। नहीं रोना नहीं है, रोना नहीं है। हिम्मत नहीं आ रहा है, हिम्मत नहीं आ रहा हो, तभी तो आप यहाँ पे हो आज ऐसी। अरे लड़की है, इसको किसी तरह गुजारा कर रहा हूँ। कोई ऐसे भाई सब एक दो रोटी दे दिया कभी, वो खा के गुजारा कर। कोई कॉलोनी वाला रोटी ला दिया तो उसको भी ले खा लेता हूँ। 30-35 रुपया बचता है, इसमें क्या बच रहा है? तो आपसे तो खाना भी नहीं बनता होगा। नहीं, हम ऐसे खाते हैं जैसे कोई दे गया गली मोहल्ले का। कितने साल से हो आप इसे? नहीं, इस हाल तो मैं 2-2.5 महीने से ज़्यादा हुआ। जब इसकी मम्मी चली गई तब मैं बर्बाद हूँ। अच्छा, पूरा सामान कितने का है आपका? अब जी अगर हिसाब नहीं, 1000 रुपये का तो होगा। 1000 रुपये का होगा? तो पूरा सामान खरीद लें आपसे, आपकी इच्छा है मालिक। अब बेटा ये नमकीन दे, नमकीन उठा, नमकीन का पैकेट। हाँ उठा, ये हम ले रहे हैं आपसे, ये भी उठा, स्वीटी सवारी। इधर आओ भाऊ जी। कितना हुआ इसका पैसा? ये कितने का है? 1 रुपये का है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हाथी वाला। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 21 बाबू जी ये हुआ, और ये 20 रुपये का ये हुआ। कितने का हुआ? 5 का ये। हाँ तो 20 की ये, 21 का ये, 20 का ये, 40, और ये 10 का ये, 20 का ये, 10 का, 10 का ये हो गया है। कितने हो गए आपके? 50। 60 रुपये हो गया ना? 60 रुपये हो गया ना आपका? नहीं, 60 नहीं हुए, जो हलवा। चलो 50 हो गया आपका। मैं आपको देता हूँ पैसे। ये हमारे भाई हैं और ऐसे लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि ऐसे लोगों की वीडियो, ऐसे लोगों की मदद करो जो आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। ये हमारे भाई हैं, रमेश नाम है, रमेश नाम है आपका, संजय नाम है, और ज़िंदगी के इस दौर में है। अभी एक बेटी है इनकी 7-8 साल की, 5-6 साल की, और ये आप देख सकते हैं इनकी हालत, इनको फालिश है। बाबूजी आपके 50 हुए ना आपके?
बेटा पाओ जी 2000 रुपये आपकी मदद के लिए ना, आप रख लीजिए ना, ये मैं रख रहा हूँ आपके 2000 रुपये। इनका कुछ सामान सामान नहीं आना, कुछ सामान नहीं आना। अरे भाई इतना कष्ट कर रहे, ऊपर वाला आपको देगा, ऊपर वाला देगा। ये आपके आपके आप लिया ना कुछ है ना, इससे डबल आपको मिलेंगे मेरा दोबारा। आप जो सोचे वो होगा, ये भगवान की दुआ। बिल्कुल बिल्कुल होगा। आप इस दुआ के लिए तो हम यहाँ पे हैं, आपकी दुआ लेने के लिए तो हैं बाबूजी यहाँ पे। मैं इलाज करवाने अर्बन गया था, डॉक्टर ने हमको 500 रुपया निकाल के जेब में डाला था। डॉक्टर साहब उतने भी डॉक्टर साहब इलाज करके उन्होंने 500 रुपये हमको दे के गाड़ी बैठाया। करा फिर आना बृहस्पतिवार को जाऊँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, ये हमारे बाबा हैं। और ये आपको ये इलाका कौन सा है? जी हाँ जी, गंगा बिहार लोनी बॉर्डर एक इलाका है, वहाँ रहते हैं बाबा। बाबा ये हमने ले लिया आपका, आप उन दो हज़ार से अपना कुछ सामान खरीद लेना दोबारा से, है ना। कुछ सामान खरीदना, अपने बच्चे के लिए कुछ खरीदना। तो और क्या करूँगा जी, मैं एक लड़की है उसी को। और मैं दोबारा आऊँगा, अगर आप कोई किराए पर मकान ले सकते हैं ना 1000-1500 रुपये में, 1000 रुपये में किराए का मकान लीजिए, मैं किराया दूंगा उसका। बहुत हर महीने मैं उसको किराया दूंगा, आप लीजिए यहाँ पे कोई किराया, मैं आऊँगा फिर 10 दिन के बाद आपके पास में। ठीक, यहीं मिलते हो ना? यहीं मिलते हो ना? मैं आऊँगा फिर 10 दिन के बाद आपके पास। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, और कमरा लीजिए किराए पे, मैं दूंगा उसके पैसे। ठीक है बाबूजी, बस अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी, हाथ तो रख दो। ऊपर वाले के जी हम क्या रखेंगे, हम तो उनका सेवक है, जो करेंगे वही उनके दरबार में बैठा हूँ। रोटी मिलते रहते हैं हमको 2 महीने से, यही हम बहुत सोच रहे हो जी। कोई ना कोई लाके दे ही देता है, मेरा रोटी चल रहा है। देखो वो सबसे बड़ा वो सुपर पावर है ना, वो ऊपर बैठा है, वो चलाता है संसार को। ठीक है ना, उनके सामने बैठा हूँ, कोई ना कोई लाके देता है। हिम्मत मत हारना कभी भी। हिम्मत तो नहीं हारूंगा, गिरते भी नहीं हारूंगा। हाँ ये रहा जी, तुम नहीं हारूंगा, जब नहीं हारे तब नहीं हारूंगा। बिल्कुल हिम्मत नहीं आनी है, सब पूरी दुनिया आपके साथ है। ये जितने लोग वीडियो देखेंगे ना आपकी, वो सब लोग आपका साथ देंगे। ठीक है ना, आप अपना मकान। हॉस्पिटल गया, दोनों तरफ से गाड़ी चल रहा है, मैं बीच में घुस गया। मैं बोला मार देगा, कोई बात नहीं लड़की चलो, ट्रॉफी वाले नहीं रोक रहे, लेकिन फिर भी हमने पार होकर हॉस्पिटल में घुस गया। मैं बोला मैं जाऊँगा तो जरूर जाऊँगा। 2 किलोमीटर पैदल चला, मेरे पास किराया नहीं था, लेकिन मैं हॉस्पिटल पहुँच गया। किसी सबको बांट दे भैया, बांट देंगे सब लोग। ठीक है बाबूजी, अपना ख्याल रखना, और मैं फिर आऊँगा। ठीक है, ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, ऐसे लोग हमारी मदद के मुस्तहिक हैं। और मैं हमेशा हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे लोगों को मदद करो और ऐसे लोगों की हेल्प करो। ये हमारे भाई हैं, उम्र देख लीजिए, उम्र के इस पड़ाव पे हैं, और जो बीवी है वो भी छोड़ के चली गई, और चल नहीं सकते, हाथ से रोटी नहीं बना सकते। जो लोग रोटी देते हैं तो खा लेते हैं, वरना नहीं खाते। ऐसे लोगों की मदद करो यार, घर से निकलो, अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी से निकलो, और ऐसे लोगों की मदद करो। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमें प्यार बांटिए, और यूं ही हमें प्यार देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आप मदद करते हो उनकी कैसे, क्या कितने दिन से है बाबूजी यहाँ पे? ऐसे 2 महीने से। तो ये बहुत बड़ा मल है ना, आपको पता है ना, आप मुसलमान हो, ये बहुत बड़ा मल है तीमारदारी की। लोगों की वो भी है ना, इमोशन हो गए, वो रोने लगे, आपकी आपकी जो है ना, आपकी आगली आपकी तकलीफ देखे वो रोने लगे। समझते रहते हैं इन्हें, कुछ पता है रात को कुछ जब पे आवाज मारते हैं। आपके ये पैसे कोई लेगा तो नहीं, यहाँ से छीनेगा तो नहीं? यहाँ ये इलाका नहीं है ना, गलत ये इलाका नहीं है जी। हिम्मत नहीं आना है ना? नहीं सर जी, हिम्मत। ठीक है बाबू जी, बता देंगे इनके पैसे ना कोई। आप चले ये दवाई अगर टाइम टेबल।